वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट इन श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा। डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर 21 वीडियो लेक्चर ऑन करैक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ आई। तो डियर स्टूडेंट्स, वी विल नो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ, मैं क्या हूँ पहले इसके बारे में हम जानेंगे। हैव यू एवर बीन एट ए नॉइजी गैदरिंग, क्या आपने कभी बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुना। स्ट्रगलिंग टू हैव ए कन्वर्सेशन ओवर म्यूजिक एंड द चैटर ऑफ वॉइसेज एंड येट मैनेज टू हियर समवन एट द अदर एंड ऑफ द रूम्स मेंशंस योर नेम। या कभी बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है यहाँ पर, या फिर कोई शोर शराबा में आपने कभी आपका नाम किसी कमरे के अंदर बहुत शोर शराबा आ रहा है और उस नॉइजी एरियाज के अंदर किसी ने आपका नाम बोला हो, योर नेम। सो इफ सो देन यू हैव एक्सपीरियंसड द कॉकटेल पार्टी इफेक्ट, या फिर कभी आपको कोई कॉकटेल पार्टी का प्रभाव पता है कि वहाँ पर किस तरह की शोर शराबा होता था। द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू पिक ए पर्सनली रिलेवेंट स्टिमुलस लाइक ए नेम्स आउट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एंड नॉइजी एनवायरमेंट, ठीक है। इवन इन्फेंट्स हु आर टू यंग टू वॉक और टॉक एग्जिबिट दिस टेंडेंसी। टू द कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट दिस फिनोमेनन शोज दैट ह्यूमन बींग्स आर सेलेक्टिव इन देयर अटेंशन। टू द सोशल साइकोलॉजिस्ट इट ऑल्सो शोज दैट द सेल्फ इज एन इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्ट ऑफ आवर ओन अटेंशन। कुल मिला के सबसे बात जो कहने वाली यह है कि कुछ भी हो, जहाँ पर आप स्वयं सम्मिलित होते हैं और जैसी स्थिति परिस्थिति होती है आप कैसे प्रभावित होते हैं, वो आपको खुद को परखना होता है कि वहाँ का जो माहौल था वो कैसा था। द सेल्फ इज फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट द कलेक्शन ऑफ बिलीफ दैट वी होल्ड अबाउट आवर सेल्फ। पहले खुद होते हैं, फिर खुद तय करता है कि मैं कौन सी परिस्थिति स्थिति को पसंद करता हूँ, वो स्थिति अनुरूप जो आपने चयन किए वो सिद्धांत, वो आपके खुद के एक सेक्ट बनते हैं, मत बनते हैं। व्हाट आर आवर इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स, सो पहले हमें ये जानना होता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो मेरी क्या है। व्हाट आर वी गुड एट, हम किस में अच्छे हैं। व्हाट डू वी डू प्योरली, किस में सबसे खराब हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन डू वी प्रेफर और अवॉइड, किस तरह की परिस्थितियों को मैं पसंद करता हूँ, किस तरह की स्थितियों को मैं अवॉइड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने आप को समझूं। अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, शरीर के बारे में ये ख्याल रखूँ, ये मेरा एक साधन, मैं जो चाहता हूँ वैसे ये करता है, ठीक है। मैं भोगता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं करता हूँ, और शरीर मेरा साधन है, जो मेरी जिम्मेदारी शरीर की बनती है उसका मैं निर्वाह करूं, उस जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वाह करूं, ये मेरा कर्तव्य बनता है। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज द अवेयरनेस ऑफ एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन इज ओवन थॉट्स एंड एक्शन। सबसे पहले जो खुद को समझना होता है उसको खुद के सोच विचार और कार्य के द्वारा तय करना होता है कि मेरे सही सोच विचार क्या हैं, मुझे मेरे विचारों के अनुरूप कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं विचारों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ, इस तरह की चेतना मैं में होती है। टू अटेंड द इनसाइट इनटू योर एटीट्यूड्स मोटिव्स डिफेंसेज रिएक्शंस वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स, तथा आप अपने इन चीज़ों के द्वारा प्रभावित होते हैं, लोग एटीट्यूड्स व्यवहार के द्वारा, कोई किसी ने प्रोत्साहित किया उसके द्वारा, किसी ने आपकी मदद करी, क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, वो इन चीज़ों से आप खुद प्रभावित होते हैं। इट इज़ ए सब्जेक्टिव सेंस ऑफ द सेल्फ एंड ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अनकॉन्सियस एंड कॉन्सियस थॉट्स एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस। ये एक खुद के द्वारा समझने वाली बात होती है कि जटिल से जटिल स्थिति कौन सी होती है, तथा आपके अंदर उन स्थितियों को चैतन्य अवचेतन मन के द्वारा, सोच विचारों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा कैसे सोल्व कर पाते हैं।
इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, इसलिए ज़रूरी है खुद के बारे में अच्छी तरह से समझना, क्या चीज़ कौन से बिंदु सबसे ज़्यादा महत्व के हैं वो देखते हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज की कॉम्पिटेंसी, खुद को अपने बारे में जानना सबसे महत्वपूर्ण पहचान की कुंजी होती है। एक मिनट, इट इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेक की डिसीजंस अबाउट सेल्फ, अदर, अराउंड, तथा ये व्यक्ति की व्यक्तिगत कुछ ऐसी योग्यता होती है जिसके द्वारा प्रभावित होता है। टू मेक की डिसीजन अबाउट सेल्फ, और वो योग्यता ही आपके निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होती है। अदर्स अराउंड, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इक्विप्स इंडिविजुअल्स विथ मेकिंग मोर इफेक्टिव करियर्स एंड लाइफ चॉइस, द एबिलिटी टू लीड, गाइड एंड इंस्पायर्स विथ ऑथेंटिसिटी। दोस्त, तीसरी बात यह है कि आप अपने आप को, खुद को समझना कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं कि आप खुद अपना करियर बना सकते हैं। लाइफ चॉइस, जो भी चीज़ आप चाहते हैं जीवन में, जो भी पसंद करते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर वो योग्यता है, और वो योग्यता ही आपका मार्गदर्शन करती है, आपको प्रोत्साहित करती है। आगे हम देखते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने खुद की अवधारणा या उसके सिद्धांत। द सेट ऑफ बिलीव्स दैट वी होल्ड अबाउट हु वी आर इज कॉल्ड द सेल्फ कॉन्सेप्ट। ऐसे सिद्धांत जिनको हम विश्वस्त तौर से मानते हैं, वही खुद के सेल्फ, स्व अवधारणा के सिद्धांत कहलाते हैं। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिलीव्स अबाउट हिज और हर ओन पर्सनल एट्रीब्यूट्स। इनको इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है कि उन सब तमाम सिद्धांत या विश्वासों के द्वारा आप व्यक्तिगत तौर पर जो भी कार्य निरूपित करते हैं और कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं, वो आपके स्व सिद्धांत होते हैं। इट इज बेसिकली द इंडिविजुअल्स इमेज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन ही और सी इज, स्पेशली इंक्लूड इन दिस आर द अवेयरनेस ऑफ बींग्स वाट आई एम एंड अवेयरनेस ऑफ फंक्शन वाट आई कैन डू। ये एक व्यक्तिगत स्व अवधारणा होती है कि वह खुद अपना प्रतिबिंब जान सके कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स नॉट ओनली आवर परसेप्शंस ऑफ वाट वी आर बट आल्सो वाट वी थिंक्स। अपने खुद के सिद्धांतों के अंदर उन ऐसी अवधारणाओं को शामिल नहीं कर सकते जो खुद मैं सोचता हूँ, बल्कि वी ओट टू बी एंड वुड लाइक टू बी, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। दिस लेटर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल्फ इज कॉल्ड द आइडल सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह के जो अवयव हैं, ये सिद्धांत है, वो आपके खुद के आदर्श बनते हैं। द आइडल सेल्फ रिप्रेजेंट्स द सेल्फ कॉन्सेप्ट दैट एन इंडिविजुअल्स वुड आइडली वांट टू पोजेस। और इस तरह की अवधारणा या विशेषताएं या फिर ऐसे गुण या ताकत सभी के अंदर निहित होती है, बस फर्क होता है उसको अपने बारे में समझना। तो डेफिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, अब इस तरह से अपने खुद की डेफिनेशन दे सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ रिप्रेजेंट द सम टोटल ऑफ पीपल्स कॉन्शियसनेस, ना ये हमारा हो गया था। अब देखते हैं इसको आगे। टू वे इन विच वी परस्यू आवर सेल्वेस, दो तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपनी खुद की अवधारणा कर सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। पीपल विथ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बिलीव इन देम सेल्वेज, आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एबिलिटी टू डील विथ प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजन्स, फील इक्वल टू अदर्स, हैव रेस्पेक्ट फॉर देम सेल्वेज एंड एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अदर्स। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच या सकारात्मक सिद्धांतों को अपनाता है, उस व्यक्ति के अंदर विश्वास नाम की चीज़ बड़ी सशक्त होती है। वह विश्वस्त होता है अपनी योग्यताओं के प्रति, वो अपनी समस्याओं से निजात जब पाना अच्छी तरह से जानता है। मेक डिसीजन
वह ऊहा पोहा की स्थिति में नहीं होता, वो निर्णय लेने में भी सक्षम होता है, दूसरों को भी अपने जैसा ही मानता है। हैव रेस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अदर्स। वो अपने लिए सम्मान भी चाहता है तो दूसरे का सम्मान भी करता है। दीज आर पीपल हु आर रियलिस्टिक इन देयर असेसमेंट ऑफ देमसेल्व्स एंड कैन एडमिट टू ए वाइड रेंज ऑफ फीलिंग्स बिहेवियर्स एंड नीड्स। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे व्यक्ति रियलिस्टिक इन देयर असेसमेंट अपने कार्य के अंदर वास्तविकता दर्शाते हैं तथा देम सेल्वेज एंड कैन एडमिट टू ए वाइड रेंज ऑफ फीलिंग्स। वाइड रेंज ऑफ फीलिंग्स, वो किसी भी चीज़ को मानने से इनकार नहीं करते बल्कि सबको स्वीकार ही करते हैं। हर तरह के व्यवहार से नीड्स, जोगों लोगों के भी है, हमारे समाज में हर तरह के लोग व्याप्त हैं, हर प्रकार की उनकी कार्य चेष्टा होती है, व्यवहार भी ऐसे अलग होते हैं, तो उनसे हमें किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होती। हम समझते हैं कि मानवीय अवधारणा है, हर तरह के व्यक्ति हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। ये सकारात्मक व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। नेगेटिव सेल्फ वाला कौन होगा? इट पीपल सी देमसेल्व्स एज फेलियर्स एंड हैव ए नेगेटिव। एक व्यक्ति जिसको जिंदगी में कुछ मिला है नहीं तो वह अपने आप के प्रति एक असफल व्यक्ति मानता है और उसके अंदर एक नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है। इमेज ऑफ देमसेल्व्स, दे विल बिगिन टू एक्ट द पार्ट, तथा वो ऐसे कार्य योजना का हिस्सा बन जाते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स फीड ऑन देमसेल्व्स एंड बिकम ए डाउनवर्ड स्पाइरल। ऐसे व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ही भाव पैदा होंगे और वह एक नकारात्मक जाल में पसता चला जाता है। ग्रेजुअली एनकम्पासिंग ऑल ऑफ द पीपल्स थॉट्स एक्शन एंड रिलेशनशिप, धीरे धीरे और लोगों को भी अपनी ऐसी गिरफ्त में ले लेता है। पीपल विथ नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट tend to complain constantly and find it difficult to accept criticism. फिर वे लोग उलाना या शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लगातार वे शिकायतों का ही केंद्र बन जाते हैं या फिर किसी आलोचनाओं का शिकार बनते हैं। लाइक अदर बिलीफ सिस्टम द सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स, दूसरे और जैसे मत है वैसे खुद के भी होते हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट और अफेक्टिव एस्पेक्ट, देखते हैं इनका। कॉग्निटिव एस्पेक्ट कौन सा होता है? सेल्फ स्कैमा। सेल्फ स्कैमास आर कॉग्निटिव जनरलाइजेशंस अबाउट द सेल्फ डेरिव्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट ऑर्गेनाइज एंड गाइड द प्रोसेसिंग एंड सेल्फ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। डेरिव्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस मतलब पुरानी गलतियों से सीखते हैं और फिर उसको ढालते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हुए वे अपना कार्य करते हैं। अफेक्टिव एस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम रिफ्लेक्ट्स द परसीव्ड डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल्स एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट, हु आई थिंक आई रियली आई एम, एंड सम आइडल सेल्फ इमेज, हु आई वुड रियली लाइक टू बी। सेल्फ आत्म संयम, आत्मविश्वास खुद व्यक्ति को इस तरह से प्रतिबिंबित करता है कि खुद के अंदर ऐसी अवधारणा या सोच पैदा हो कि खुद को लगे कि मैं कौन हूँ और किस लायक बनना चाहता हूँ, मेरी क्या इमेज हो सकती है। तो विलियम जेम्स ने 1890 में इसको एक्सप्रेस किया था और इस तरह से बताया कि सेल्फ इस्टीम सक्सेस प्रोटेंशन, आदमी में विश्वास, आत्मविश्वास बनने का या आत्मविश्वास पैदा करने का एक ही जरिया होता है कि जिंदगी के कोई सी भी क्षेत्र में सफल हो जाओ। प्रटेंशन आइडल अगेंस्ट विच इंडिविजुअल्स असेस देयर एक्चुअल सेल्फ इमेज। आइडल अगेंस्ट विच इंडिविजुअल असेस देयर एक्चुअल सेल्फ इमेज, विपरीत भाव में काम करना, ये उसका प्रटेंशन होता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ के चार अवयव कौन कौन से हैं? आत्मविश्वास, खुद के बारे में भी इमेज करें कि मैं कैसा रहा दिखना चाहता हूँ, उसके अनुसार आप क्या करें, रोल परफॉर्मेंस करें। पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाएं, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के इससे
सेल्फ आइडेंटिटी कैसे बनेगी? ए सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी इज व्हाट सेट्स वन पर्सन अपार्ट एज ए यूनिक इंडिविजुअल। जब व्यक्ति के अंदर इस तरह का भाव पैदा हो जाता है कि मेरी व्यक्तिगत पहचान इस तरह की होनी चाहिए, तो व्यक्ति वैसा ही काम करना शुरू करता है। आइडेंटिटी इंक्लूड्स ए पर्सन नेम्स, जेंडर, एथनिक आइडेंटिटी, फैमिली स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड रोल। पहचान के अंदर इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया था, व्यक्ति का नाम कौन है, कैसी उसकी पहचान है, परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, कैसा व्यवसाय है और वो कैसा है। वन्स पर्सनल आइडेंटिटी बिगिन्स टू डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड इज कॉन्स्टेंटली रीइन्फोर्स्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू आउट लाइफ। ये व्यक्ति के बचपन से ही शुरू होती है उसकी पहचान, और लगातार वही जो चीज़ वो बचपन से सीखता रहा है उसी की तरफ वो चीज़ उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट में बॉडी इमेज इज एन एटीट्यूड अबाउट वन्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस। हमारी बॉडी इमेज क्या होती है कि इसके अंदर मैं कैसा दिखता हूँ और मेरे काम करने के ढंग कैसे हैं, एक तो ये तरीका। दूसरा, बॉडी इमेज इज डायनेमिक बिकॉज एनी चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन इंक्लूडिंग द नॉर्मल चेंजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन अफेक्ट इट। ये भी होता है कि व्यक्ति अपने शरीर का संरक्षण सही तरीके से करें कि उसमें कहीं पर भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शरीर में कोई भी आमूलचूल परिवर्तन न आने दे। हाँ, ये जरूर है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कमज़ोर और थोड़ी फैटी हो सकती है, लेकिन नेचुरल तरीके से जो बॉडी मिली है उसको वैसा ही बनाए रखें, वो सबसे ज़्यादा सक्सेस पर्सन होता है। ओके, इस तरह से जो करैक्टरिस्टिक ऑफ आई थी वो ये कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी।